कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मुझे कहने लगा, अरे वो लड़का देख उसकी, जिसकी आवाज़ अच्छी है वो लड़का देख। पर मुझे कभी पता नहीं था कि ये आवाज़ क्या है। बट व्हेन आई एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कॉन्टेस्ट, आई गॉट द फर्स्ट रनर अप, ऐसा कुछ मिला। मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ कि मुझे ऐसा कुछ मिल सकता है। मैंने राम पवार करके एक सर थे जो AIR रेडियो पे उस टाइम पर वो आते थे, एंड ही वॉज अ एल्डरली रेडियो जॉकी। उनसे जाके मैंने वॉइस कल्चर सीखा। वॉइस कल्चर के बाद मैंने अनाउंसिंग, ब्रॉडकास्टिंग, डबिंग का कोर्स किया सेंट जेवियर्स कॉलेज में। उसके बाद मैंने सिद्धार्थ कानन के साथ रेडियो जॉकी कोर्स किया। पहला जॉब टाइम्स ऑफ इंडिया के प्लैनेटम स्टोर में एज अ इन हाउस रेडियो जॉक था, तो वो मैंने किया फॉर अबाउट अ मंथ एंड हाफ। एंड देन सिद्धार्थ का कॉल आया कि दुबई में रेडियो जॉकी का प्लेसमेंट है, वुड यू बी इंटरेस्टेड। एंड मेरा प्लेसमेंट हुआ। And that's how the journey began. आत्मनिर्भर, self-reliant जिसे कहते हैं, आत्मनिर्भरता खुद से आनी चाहिए। आरुख खान ने एक सही चीज़ कही, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपसे लग जाती है। But the fact is उसके लिए वो चाह होनी चाहिए, उसके लिए वो हार्डवर्क होना चाहिए। होमवर्क और हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपको आके मदद नहीं कर सकता। अंग्रेजी में वो कहा होता है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट कांट मेक द हॉर्स ड्रिंक वाटर। सो यू हैव टू टेक दैट स्टेप। यहाँ से और यहाँ से जब तक हम खुद को नहीं बोलेंगे कि I want to do this, I have to do this से ज़्यादा I want to do this. When there is a will, there is a way. और मेरे मुताबिक you have to be आत्मनिर्भर।